नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करियर जंक्शन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ राजपूत इस चैनल पर रीजनिंग के फैकल्टी के रूप में अवेलेबल हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर, जो कि बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर में जो सबसे बेसिक पॉइंट होता है वो होता है वर्ष। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है साधारण वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल सिंपल ईयर। साधारण वर्ष इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल ईयर, और एक होता है अधिवर्ष। अधिवर्ष, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीप ईयर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीप ईयर। जो साधारण वर्ष होता है उसमें दिनों की संख्या होती है 365, दिनों की संख्या 365 दिन होती है, और लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 366 दिन होता है, 366 दिन होता है। सप्ताह होता है इसमें, साधारण वर्ष में जो सप्ताहों की संख्या होती है, सप्ताह जिसको हम लोग इंग्लिश में वीक बोलते हैं, सप्ताह इसमें होता है 52, सप्ताह 52, 52 सप्ताह एक दिन होता है। किसी भी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है, लेकिन लीप वर्ष में 52 सप्ताह 52 सप्ताह दो दिन होता है, 52 सप्ताह दो दिन होता है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी भी साधारण वर्ष में दिन की संख्या होती है 365, और अधिवर्ष लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 366 दिन होती है। अब दिमाग में आ रहा होगा, भाई इसमें 365 क्यों और इसमें 366 क्यों? क्योंकि जो साधारण वर्ष का जो फरवरी होता है, साधारण वर्ष का जो फरवरी होता है वो 28 दिनों का होता है। साधारण वर्ष का जो फरवरी होगा 28 दिन का, लेकिन लीप वर्ष का जो फरवरी होगा फेब होगा वो 29 दिनों का होता है। अब भाई एक और कंफ्यूजन आएगा आपके दिमाग में, ये 28 का क्यों, 29 का क्यों? क्योंकि जो हमारा वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड होता है। कोई भी ईयर हो, उसमें जो दिनों की संख्या होगी साधारण वर्ष में, या प्रत्येक वर्ष की मैं बात करूं, प्रत्येक वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड होता है। इसी तरीके से पर साल, हर साल जो है 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड बढ़ता चला जाता है। पहले घंटे में 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड, दूसरे घंटे में भी इसी, दूसरे साल में भी इसी तरीके से बढ़ेगा, तीसरे साल में भी इसी तरीके से बढ़ेगा। तो जब 4 साल पूरा हो जाता है, 4 साल में ये लगभग 24 घंटे लगभग 24 घंटे 24 आवर लगभग पूरा कर लेता है, लगभग 24 घंटे पूरा कर लेता है। और 24 घंटे का मतलब होता है पूरा एक दिन। अगर ये लगभग 24 घंटे हो गया, मतलब एक दिन हो गया, और इसी एक दिन की वजह से जो फरवरी होता है वो 29 का हो जाता है। दिमाग में ये भी आ सकता है, भाई क्यों फरवरी में ही जोड़ रहे हैं, क्यों नहीं और जनवरी या अप्रैल या और किसी में क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? ये भी दिमाग में आ सकता है, क्योंकि जो फरवरी है सबसे कम दिनों का फरवरी था, फरवरी सबसे कम दिन का था, उसमें 28 दिन थे, इसी वजह से इसमें क्या किया, एक दिन जो हमारा बढ़ता है ये ले आके फरवरी में ऐड कर देते हैं। लीप वर्ष हमेशा हर 4 साल बाद आता है, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, यानी कि ये जो एक दिन एक्स्ट्रा आएगा हर चौथे साल में एक दिन एक्स्ट्रा होगा, और उसमें जो फरवरी होगा 29 दिनों का होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे की चीजें देखते हैं। अब आगे दिमाग में ये भी आ सकता है, भाई
आगे आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि क्यों 52 सप्ताह, कैसे पता चला कि किसी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह कैसे होते हैं। अब अगर मान लो कोई आपसे क्वेश्चन करे कि किसी साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, किसी साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। किसी साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 365 दिन होती है, और एक सप्ताह में जो दिनों की संख्या होती है वो 7 दिन होता है। तो अगर 7 से हम इसमें भाग दे दें, 7 5 35, 6 से 5 जाएगा, 1 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 7 दूना 14, तो 5 में से 4 गया 1, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 52 आया है, ये 52 जो आया है, ये जो हमारा भागफल होता है, यही हमारा क्या होता है, सप्ताह होता है। और ये हमारा जो एक दिन आया है, एक्स्ट्रा दिन हो जाता है, तो 52 सप्ताह एक एक्स्ट्रा दिन होता है किसी भी साधारण वर्ष के एक साल में। कैसे निकलेगा, किसी साधारण वर्ष के में कितने सप्ताह होते हैं, आपको कुछ नहीं करना था, जो दिनों की संख्या थी 365, 365 में 7 से भाग दे देना, तो ये जो हमारा भागफल आएगा वही हमारा क्या होगा, सप्ताहों की संख्या हो जाएगी, और एक दिन जो शेष आएगा ये हमारा एक्स्ट्रा डे हो जाता है। तो वही हमने अभी लिखा था कि 365 दिन होते हैं किसी साधारण वर्ष में, और जो सप्ताहों की संख्या होती है किसी साधारण वर्ष में कितना होता है, 52 सप्ताह एक दिन होता है। उसी तरीके से अगर कोई कहे कि भाई अधिवर्ष में, किसी लीप वर्ष में जो सप्ताहों की संख्या होती है कितनी होती है, मान लीजिए इसी में आपसे पूछ लिया, दूसरा पूछ लिया किसी लीप वर्ष में, लीप वर्ष में लीप वर्ष में सप्ताहों की संख्या क्या होगी, तो आप क्या करोगे भाई, लीप वर्ष में सप्ताहों की संख्या पूछ रहा है ना, लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी, अभी आपने देखा 366 दिन, 366 दिन, सेम इसी तरीके से 366 में 7 से भाग दे देना, 7 5 35, 6 में से 5 जाएगा 1, यहां पे उतार लेना, 7 दूना 14, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा, और 52 सप्ताह भागफल ही क्या होता है, सप्ताह होता है, भागफल ही क्या होगा, सप्ताह होगा, 52 सप्ताह 2 दिन। तो किसी लीप वर्ष में जो सप्ताहों की संख्या होती है कितनी होती है, 52 सप्ताह 2 एक्स्ट्रा डे होता है। यहां तक बात समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग लीप वर्ष को पहचानेंगे कैसे। अब बात आती है बार बार, अगर लीप वर्ष की बात हो रही है तो लीप वर्ष को हम पहचानेंगे कैसे, वो भी देख लेते हैं। लीप वर्ष को पहचानेंगे कैसे, पहली बात तो ये जान लो, किसी भी ईयर के लास्ट दो डिजिट, किसी भी ईयर के लास्ट दो डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो जाए, किसी भी ईयर के लास्ट दो डिजिट यदि 4 से पूर्णतया डिवाइड हो जाए तो हमारा क्या होगा, लीप वर्ष होगा। किसी भी ईयर का यदि 4 लास्ट के दो डिजिट 4 से पूर्णतया डिवाइड हो जाए तो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। जैसे जैसे हम कहें 2024, 2024, 2016, 2016, 2021, 2022, 2028 और 1632। अब बताइए इसमें कौन सा लीप ईयर है, ये था आपका एग्जाम्पल लीप ईयर पहचानने के लिए। अब इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन सा लीप ईयर है, हमने बताया कि यदि लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर होगा। अब ये जो 2024 है, 24 बताओ ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये 24 पूर्णतया 4 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, 4 6 24, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। ये 16, 4 चौक 16 होता है, ये भी पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो गया, ये भी लीप ईयर। ये लेकिन अगर देखा जाए कि 2021, क्या ये 21 जो है 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 2021 जो होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। 2022 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2022 भी लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन अगर 2028 की बात करा जाए तो 4 7 28, ये पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा।
16 लास्ट का दो डिजिट है 16, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। 1632 ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, भाई ये 32 है, लास्ट का दो डिजिट कितना हुआ 32, और ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, 4 8 32, यानी कि ये भी लीप ईयर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि लीप ईयर को पहचानेंगे कैसे। देखिए लास्ट के किसी भी लास्ट ईयर के लास्ट दो डिजिट में यदि 4 से पूर्णतया डिवाइड हो जाए या 4 से हम डिवाइड कर दें और वो पूर्णतया डिवाइड हो जाए, मतलब वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो 24 भी 4 से डिवाइड हुआ, 16 भी हुआ, लेकिन 21 और 22 नहीं हुआ। फिर 28 4 से, 4 सते 28 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 16 भी 4 चौक 16 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 32 भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब दिमाग में आ रहा होगा भाई 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्यों नहीं 10 12 18 30 से क्यों नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, इसीलिए दिए हुए साल के अंतिम दो डिजिट हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ये तो बात हो गई साधारण वर्ष में लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे, साधारण वर्ष में लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे। इसी में एक और आता है, वो होता है शताब्दी वर्ष, एक और आता है इसी में। इतनी बात समझ में आ ही गई होगी, एक और देख लेते हैं। किसी भी साधारण वर्ष, ये तो साधारण वर्ष का था, इसी में आपका शताब्दी वर्ष में भी लीप ईयर आता है। अब शताब्दी वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष को इंग्लिश में सेंचुरी ईयर कहते हैं, सेंचुरी ईयर कहते हैं हम लोग। शताब्दी वर्ष वह होता है जिसके लास्ट के दो डिजिट 00 आ जाए। किसी भी ईयर का लास्ट दो डिजिट यदि 00 आ गया, मतलब वो क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा। जैसे जैसे देख लेते हैं, 1600 के लास्ट के दो डिजिट 00 आए हैं कि नहीं आए हैं, आए हैं ना। 1600 के लास्ट के दो डिजिट 00 आए, मतलब ये लीप ईयर, सॉरी लीप ईयर कह रहे हैं, मतलब ये शताब्दी वर्ष। 1800 के लास्ट दो डिजिट 00 आया, मतलब ये क्या होगा, शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर होगा। अब बताओ 1200 की बात करें तो 1200 के लास्ट दो डिजिट 00 आया, ये क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष। 1900 में भी लास्ट में दो डिजिट 00, ये भी हो गया। 2000 में भी लास्ट के दो डिजिट क्या है, 00, ये क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष होगा कि नहीं होगा। हमने अभी अभी आपसे बताया कि किसी भी, लिख लो शताब्दी वर्ष पहचानेंगे कैसे, लिख लो, नोट डाउन कर लो, किसी भी ईयर, किसी भी साल के अंतिम दो डिजिट यदि 00 आ जाए, यदि क्या आ जाए, 00 आ जाए, 00 आ जाए, तो वह शताब्दी वर्ष होगा, तो वह क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा, सेंचुरी ईयर होगा। किसी भी साल के अंतिम दो डिजिट यदि 00 आ जाए, 00 आ जाए, तो वह क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा। जैसे 1600, 1800, 1200, 1900, 2000, इसके लास्ट में दो डिजिट क्या हो गया, 00 आ गया। यहां तक क्लियर, अब आप तो इतना समझ गए होंगे कि शताब्दी वर्ष को कैसे पहचानेंगे, सेंचुरी ईयर होता क्या है। अब सेंचुरी ईयर में भी, जैसे अभी हम लोगों ने नॉर्मल ईयर में देखा ना, नॉर्मल ईयर में क्या था, नॉर्मल ईयर में भी लीप ईयर आया था, जैसे 1216 2022 2021 इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। उसी तरीके से ये शताब्दी वर्ष में भी लीप ईयर होता है। शताब्दी वर्ष में लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे, किसी भी ईयर को अगर पूरा पूरा 400 से हम डिवाइड कर दें और वह 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। जैसे ये 1600 है, 1600 400 से पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 4 चौक 16, 00 कैंसिल, ठीक, 4 चौक 16 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। 1800 400 से क्या पूरा पूरा डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन अगर 1200 की बात करें तो 1200 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर, एक और लीप ईयर मिल गया। लेकिन अगर बात करें 1900 की बात करें तो क्या 1900 400 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, ये 1900 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये लीप ईयर
नहीं होगा, लेकिन अगर हम बात करें 2000 की, 2400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, लीप ईयर होगा। तो इसमें जो लीप ईयर की संख्या, अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसे दे देता 1600, 1800, 1200, 1900, 2000, इसमें से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भाई इसमें कितने लीप ईयर हैं। तो एक तो ये हो गया, दो ये हो, दो तीन, तो इसमें टोटल लीप ईयर की संख्या कितनी थी, तीन। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गया ना भाई। एक बार रिपीट करते हैं पूरा। कैलेंडर में दो तरह का वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है, एक अधिवर्ष होता है। साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 365, और फरवरी कितने की होती है, उसमें 28 की होती है। इसमें सप्ताह जो होते हैं 52 सप्ताह, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसमें 366 दिन, फरवरी 29 की होती है और 52 सप्ताह दो दिन होते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि लीप वर्ष को कैसे पहचानेंगे, लीप वर्ष कौन सा है कौन सा नहीं है। उसके बाद हमने आपको बताया कि शताब्दी वर्ष में किसी भी साल के अंतिम दो डिजिट यदि 00 आ जाए तो वह शताब्दी वर्ष होगा। उसके बाद हमने आपको शताब्दी वर्ष में लीप ईयर पहचानना बताया कि शताब्दी वर्ष में लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे। यदि कोई भी शताब्दी वर्ष यदि वह 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं, लीप ईयर पर, शताब्दी वर्ष के लीप ईयर पर एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, चलिए करते हैं उसको। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, हमने लिखा इसी शताब्दी वर्ष पे है, और कोई रूल मत लगाने लगना कि दिन पूरा निकालने लगो, हमने सिर्फ शताब्दी वर्ष के लिए आपको बताने जा रहे हैं। जैसे हम कहें कि विनय का जन्म, हमने कहा विनय का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था। विनय का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था। वह अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? वह अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? वह अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? ये था आपका क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई 29 फरवरी आ गया, 29 फरवरी आया, श्योर है, श्योर सर्टन है लीप ईयर होगा, श्योर है। लेकिन फिर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसको चेक कर लें कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। अब अगर हम इसमें 4 से डिवाइड करें, शताब्दी तो है नहीं, नॉर्मल ईयर है, इसमें अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, यानी कि पूरा पूरा कट जा रहा है 4 से ना, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये क्या होगा, ये लीप ईयर ही होगा। एक तो 29 फरवरी आया, दूसरा ये लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं, यानी कि ये लीप ईयर। अब विनय का जो जन्म हुआ था 29 फरवरी को हुआ था, मतलब जिस समय उनका जन्म हुआ था वह लीप वर्ष था। अब आपको पता है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो अब ये बताइए आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई अगर ये 19 हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, 1896 में इसका जन्म हुआ था, तो 4 साल बाद 1900 में वो अपना पहला जन्मदिवस मनाएगा। अब ये 1900 आ गया, तो हमने एक बात तो और भी बताया था भाई मेरे कि यदि 4 से डिवाइड, इसमें 4 का कॉन्सेप्ट नहीं, 400 का कॉन्सेप्ट चलेगा। हमने ये भी तो बताया था कि लास्ट के दो डिजिट यदि 00 आ गया, मतलब वो नॉर्मल ईयर नहीं, सेंचुरी ईयर होगा। अब ये बताओ इसके लास्ट के दो डिजिट 00 आ गया, तो बताओ ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ क्या 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे, और इसको चेक करेंगे क्या ये 400 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 400 से डिवाइड हो जाता तो ये क्या होता, लीप वर्ष होता, यानी कि विनय अपना पहला जन्मदिवस 4 साल बाद मना लेता। लेकिन क्या हुआ, ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यह जो 1900 है 400 से क्या डिवाइड हो रहा है, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये लीप ईयर नहीं, ये नॉर्मल ईयर है। विनय को 4 साल और वेट करना पड़ेगा, यानी कि वह अपना पहला जन्मदिन 1904 में मनाएगा, 1904 में मनाएगा। ये 1904, ये 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसमें जो फरवरी होगी वो कितने की होगी, 29 की होगी, यानी कि जब विनय अपना पहला जन्मदिवस
कितने दिन बाद मनाएगा? 8 साल बाद। 8 साल बाद, और कब मनाएगा? 1904 में। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगला टाइप शुरू करते हैं, दिन निकालना। दिन को कैसे निकालते हैं? दिन को हम लोग कोड के माध्यम से निकालेंगे। और अब हमको भाई ये बता दो कि किसी साधारण वर्ष में या लीप वर्ष हो, चाहे जो हो, उसमें मंथ कितने होते हैं? मंथ कितने होते हैं? चाहे लीप वर्ष हो और चाहे साधारण वर्ष हो, मंथ की संख्या हमेशा 12 ही होगी। चलिए ये बात करते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये बात हो गए हमारे 12 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये बात हो गई। साधारण वर्ष में भी इतने ही वर्ष होंगे और लीप वर्ष में भी इतने ही वर्ष होंगे। चलिए इसका जो कोड होगा, इसका जो कोड होगा हमारा जनवरी फरवरी सबका हम कोडिंग कर लेते हैं। इसको हम लोग कहेंगे 144 0 25 0 36 146। ठीक, क्या हमने किया? जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। तो जो हमने कोड किया सबका, अगर मान लीजिए एक सेकंड मानते हैं आपको नहीं आ रहा है, कभी कभी हम लोगों को याद नहीं रहता भाई, अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो कोई भी कोड होगा याद हो जाएगा। और कोड ये हमेशा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, अपना तो याद ही रखना, आने वाले संतानों को भी बताना है कि भाई ये कोड मत भूलना, यहाँ तो याद रखना है, आने वाली पीढ़ी को भी बताना है, उसके बाद ऊपर भी बताना है, हर जगह बताना है इस कोड के बारे में, ठीक है ना। ये कोड भूलना मत, अगर कैलेंडर याद रखना है तो, कैलेंडर में दिन निकालना है तो। अब 144 को अगर और आसान करना है आप कर लेना, 12 का स्क्वायर होता है, 05 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे क्या होगा, 06 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर देना, इतना याद हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, 05 का स्क्वायर 525, 6 का स्क्वायर 036, 12 144 प्लस 2 146 हो जाएगा। ये बात हो गया आपका साधारण वर्ष में। अब बात करते भाई, अगर साधारण वर्ष का कोड है तो लीप वर्ष का भी कुछ कोड होगा, लीप वर्ष का भी कुछ कोड होगा। तो कुछ नहीं करना है, लीप वर्ष में आपको क्या कर देना है, इसी से एक एक कम कर लेना है। जनवरी का कोड हो जाएगा 0, फरवरी का कोड हो जाएगा 3, बाकी सबका सेम लिख देना है। बाकी सबका क्या लिख देना है? सेम लिख देना है, बाकी सबका इसे सेम सबका कोड होगा, चाहे वो लीप वर्ष चाहे जो आ जाए, बस जनवरी और फरवरी की बात करेगा तभी आपको कोड चेक करना है, अदरवाइज कोड को चेक नहीं करना है, बाकी सारा यही होगा। ठीक, ये तो बात हो गई मंथ के कोड का। अब शताब्दी, अभी हमने बताया था सेंचुरी क्या होता है, सेंचुरी ईयर होता है, तो शताब्दी वर्ष का भी कोड लिख लेते हैं। शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का भी कोड होगा, ठीक, शताब्दी वर्ष का कोड। इसमें हम लोग देखेंगे जो 1600 होगा, 1600 का कोड होगा -1, 1700 का कोड होगा +4, 1800 का होगा +2, 1900 +0, 2000
माइनस वन हो जाएगा। अब यहां तक देखो भाई, 1600 का माइनस वन, 1700 का प्लस चार, 1800 का प्लस दो, 1900 का जीरो, 2000 का माइनस एक, यहां तक आ गया। अब हमें और आगे जाना है भाई, हमें 2100 पे अगर जाना हो तो हम क्या करेंगे, 2100 पे जाना हो, माइनस वन के बाद क्या था, प्लस चार ना, यहां पे प्लस चार कर लेना। अब 2200 प्लस चार के बाद क्या है, प्लस दो था, तो यहां पे प्लस दो कर लो। मतलब कहने का इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। कहीं भी कोड निकालना है आप इस तरीके से आगे जा सकते हैं, कोई भी दिन निकालना हो। ये बात हो गई आपका शताब्दी वर्ष का कोड था। अब अगर सब कुछ मेरे हिसाब से, तो दिन का भी कोड मेरे हिसाब से लिख लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा देख लेते हैं दिन का कोड क्या होगा। दिन का जो कोड होगा वो क्या होगा, रविवार, रविवार का जो कोड होगा एक होगा, सोमवार का कोड दो, मंगल का तीन, बुधवार का होगा चार, गुरुवार का होगा पांच, शुक्रवार का होगा छह, और शनिवार का सात ना होके जीरो हो जाएगा, ठीक। ये बात इतनी समझ में आ गई, जो रविवार का कोड होगा वो कितना होगा, रविवार का कोड होगा एक, सोमवार का कोड होगा दो, मंगलवार का कोड होगा तीन, बुधवार का कोड होगा चार, गुरुवार का कोड होगा पांच, शुक्रवार का कोड होगा छः, शनिवार का कोड होगा जीरो। और इसमें शताब्दी वर्ष का कोड क्या होगा, 1600 का कोड माइनस वन, 1700 का प्लस चार, 1800 का प्लस दो, 1900 का प्लस जीरो, 2000 का माइनस वन, 2100 का प्लस चार, 2200 का प्लस दो। अब इतने के साथ आपका कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन बचेगा नहीं, कुछ भी आ जाए कैलेंडर में दिन निकालना आप तुरंत के तुरंत कर दोगे, चाहे जो हो जाए विद इन सेकंड। यहां से इसको निकाला जाएगा, उसके बाद इसमें लगा देना, ठीक। यहां तक समझ में आ गई बात, तो एक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। आपको पता है भाई 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है, जीएस का क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसी दिन भारत आजाद हुआ था, और वह जिस दिन भारत आजाद हुआ था वह कौन सा डेट था, 15 अगस्त 1947। और वह जो दिन हमने पूछा वह दिन था शुक्रवार, दिन था शुक्रवार। अब आपसे पूछा जा सकता है भाई 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन, आपको पता है कि शुक्रवार था, तो चलिए एक बार हम लोग भी लगा के देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्या 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था कि नहीं था। यदि वह हमारा सही हो जा रहा है, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार आ रहा है, मतलब जो हमने इतना लीपा पोती किया है ये सब सही है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये 15 है ना डेट, डेट में हम 7 से डिवाइड करेंगे, एक नोट लिख लो काम देगा, नोट लिख लो कि जब भी हम 7 से डिवाइड करेंगे, जब भी हम 7 से भाग देंगे, जब भी हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे। ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था, जब भी चार से डिवाइड करेंगे जब भी चार से भाग देंगे तो शेषफल ना लिख के क्या लिख देंगे, भागफल लिखेंगे।
लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, जब भी हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल लिखेंगे और जब भी 4 से भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे। अभी ये डेट है ना, डेट, ये डेट है, ये मंथ है, ये ईयर है, डेट मंथ ईयर। इस डेट में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो बताओ भाई क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे ना, यही तो बात हुई थी। यहां पहले पॉइंट में हमने क्या लिखा था, जब भी हम 7 से भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे। अब बताओ इसमें 7 से ही तो भाग दे रहे हैं, 7 × 14, अब 7 × 14 7 से भाग दिया भाई, कितना बचा, 1 बचा, ठीक। अब बताओ मंथ का कोड लिख दो, अगस्त लिखा है, अगस्त का कोड कितना था, अगस्त, ये देखिए अगस्त का कोड कितना है, 3, तो यहां पे 3 लिख दो, ठीक। सबसे पहले क्या किया, 7 से भाग दिया डेट में, डेट में 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो शेषफल लिखेंगे। मंथ के कोड में 7 से भाग, मंथ का कोड लिख देंगे, मंथ का कोड कितना था, 3 था। अब इस ईयर के लास्ट के 2 डिजिट में एक बार 7 से एक बार 4 से, ये ईयर के लास्ट 2 डिजिट में एक बार 7 से एक बार 4 से, ठीक। 7 से भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, शेषफल, 4 से भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, भागफल, ठीक। यहां पे 7 से भाग दिया, 7 × 42, बचा कितना, 5 बचा ना, 7 × 42 6 बार जाएगा, शेषफल हमारा कितना आया, 5 आएगा, क्योंकि 7 से भाग देने पे शेषफल ही लिखेंगे हमेशा, इतना बात ध्यान रखना। 7 से भाग दिया तो भाई 7 × 42 बचा कितना, 5। अब इस 47 में हम क्या करेंगे, इस 47 में हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, इसी लास्ट के 2 डिजिट में, एक बार 7 से एक बार 4 से, एक बार 7 से लिख के शेषफल, 4 से देंगे तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, भागफल लिखेंगे। देखिए यहां पे लिखा था जब भी 4 से भाग देंगे तो भागफल लिखेंगे। अब दिमाग में आ रहा होगा भाई 4 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, इसीलिए यहां पे क्या देंगे, लीप ईयर, पता करने के लिए कि 47 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, यही पता करने के लिए हम लोग किससे भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं। तो कितनी बार जाएगा, 11 × 44 11 बार जाएगा, तो जो हमारा भागफल आया कितना आया, 11 आया ना। एक बार ऐसे देख लीजिए, बचपन लगा लेते हैं, 47 यहां पे भाग दिया 4 से, तो 11 × 44 इतनी बार गया, इससे हमें नहीं मतलब कितना बचा कितना क्या, हमें बस किससे मतलब है, भागफल से मतलब है। तो यहां पे क्या लिख लेंगे, भागफल लिख लेंगे। अब बताओ भाई शताब्दी कौन सा है, शताब्दी, शताब्दी 1900 है ना, 1900 शताब्दी है, और 1900 से लेके 1999 तक, 1900 से लेके 1999 तक जो हमारा कोड होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि यहां पे लिखा है 1900 के बाद देखिए 2000 आए, 2000 कोड -1 हो गया, तो 1900 का जो कोड, शताब्दी वर्ष का कोड लिख देंगे, शताब्दी वर्ष 1900 है सेंचुरी हमारा, 1900 में जो हमारा कोड है कितना है, 0, और सबका बटे 7 कर देंगे, तो 11, 5, 16, 3, 19, 1, 20, यानी कि 20/7 लिख देंगे, 20/ क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। अब बताइए यहाँ पे अगर हम 20/7 करें भाई मेरे, तो 7 × 14 जो हमारा शेष फल आया कितना आया, अच्छा शेष फल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 7 से भाग दे रहे हैं, हमने कहा था कि 7 से, जब भी हम 7 से पूरे कैलेंडर में भाग देंगे तो शेष फल ही लिखेंगे। 7 × 14 और आया कितना शेष फल हमारा, शेष फल हमारा आ गया 6, और 6 किसका कोड था, शुक्रवार का, 6 किसका कोड था, शुक्रवार का था, ये देखिए, सॉरी ये देखिए, हमने अभी आपसे क्या कहा था कि 15 अगस्त 1947 जीएस का क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, और हमने वो करके भी दिखाया, यानी कि अगर हमारा इस कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, सही है, हम इस कॉन्सेप्ट से और भी आगे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए और एक आध क्वेश्चन देखते हैं और कुछ शुरू करते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, लिखे 18 जून 1724। अब भाई दिमाग में आया होगा कि 18 जून 1724 आया है, 18 आया है, सॉरी 24 आया है, 24 आया है, लीप ईयर होगा क्योंकि 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बता दो भाई कि ये क्या आया है, ये जून की बात कर रहा है ना, देखिए जून,
क्या जनवरी फरवरी को छोड़ के कोई और कोड चेंज होगा? किसी और मंथ का कोड चेंज होगा, और किसी मंथ का कोड चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका चेंज होगा? जनवरी और फरवरी को, अब चाहे लीप ईयर आए और चाहे जो ईयर आए, ठीक है, चाहे लीप आए चाहे नॉर्मल आए, चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जनवरी फरवरी यहाँ आ जाए तभी आप चेक करिएगा कि हो सकता है इसका कोड कुछ और है। ठीक, बात समझ गए। हमें सबसे पहले क्या करना है, डेट में 7 से भाग देना है। 7 × 2 = 14 बचा कितना, 4, शेषफल लिख लिया। 7 से भाग देने पे क्या लिखेंगे, शेषफल ना। अब जून का कोड कितना है, देखो जून यहां पे है ना, और जून का कोड कितना है, 5 है, तो यहां पे 5 लिख देना, प्लस कर लो। इस लास्ट के दो डिजिट में हमने क्या कहा था, एक बार लास्ट के दो डिजिट में 7 से भाग देना और एक बार 4 से भाग देना। यहां पे 7 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21, 7 से भाग देने पे क्या लिखेंगे, शेष फल लिखेंगे ना। अब 7 से यहां पे भाग दिया, 7 × 3 = 21 बचा कितना, 3 बच गया। और इसी 24 में आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है, 4 × 6 = 24, पूरा पूरा कट गया, और कितनी बार गया, 6 बार, और हमारा हो जाएगा भागफल, यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन जो होगा वो हमारा, जब भी हम 4 से भाग देंगे तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन कितना आया, 6 आया। ठीक, अब हमारे पास एक और काम रह गया। सबसे पहला हमारा काम था डेट में 7 से भाग दिया, शेषफल लिखा, मंथ का कोड लिखा, लास्ट के दो डिजिट में एक बार 7 से भाग दिया तो शेषफल लिखा, 4 से भाग दिया तो भागफल लिखा। अब हमारे पास क्या बचा है, शताब्दी का कोड। ये 1700 की शताब्दी है ना, 1700 से लेकर 1799 के लिए जो कोड है वो कितना है, 4 है, तो यहां पे क्या कर देंगे, प्लस 4/7, तो 6 × 4 = 10 = 13 × 5 = 18 × 4 = 22। इस 22 में 7 से भाग दे दे, 7 से डिवाइड कर दे तो 7 × 21 बचा कितना, जो हमारा शेषफल आया कितना आया, 1 आया ना, और 1 किसका कोड था, रविवार का, ये देखिए रविवार का कोड था। अब आपको पता चला होगा 18 जून 2024 को कौन सा दिन था, 18 जून 2024 को कौन सा दिन था, रविवार था। इतना क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी मेथड से, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, 28 लिखिए, 28 सितंबर, 28 सितंबर, 28 सितंबर 1824, 28 सितंबर 1824 को कौन सा दिन था। ये डेट है, डेट में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे ना। सबसे पहला डेट में आपको 7 से डिवाइड कर देना है। डेट में 7 से भाग दिया, 7 × 4 = 28, 4 बार गया, 4 नहीं लिखेंगे। अधिकतर स्टूडेंट क्या करता है, जब 7 × 28 पूरा पूरा कट जाता है वो भागफल लिख देता है। हमें 7 से भाग देने पे भागफल नहीं लिखना है, शेषफल लिखना है। तो 7 × 28 यहाँ पे जो आएगा कितना आएगा भाई, 7 × 28 जीरो बचा ना, पूरा पूरा कट गया तो जीरो ही तो बचेगा, तो जीरो डिनोट कर देंगे। सितंबर का कोड कितना है, देखो यहाँ पे सितंबर है ना, और यहाँ भी सितंबर, और सितंबर का कोड कितना, 6, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, प्लस कर देंगे। लास्ट के दो डिजिट में हमने क्या बताया था, एक बार 7 से एक बार 4 से, तो यहां पे 7 से भाग दोगे तो 7 × 21 बचा कितना, 7 × 21 के बाद बचा कितना, 3। जब भी 7 से भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे, और 7 से भाग दिया, 7 × 21 शेष हमारा 3 आ गया, और 3 को यहां पे हमने लिख दिया। ठीक, अब इस 24 में क्या करेंगे, 24 में 4 से भाग करेंगे, 4 × 6 = 24, तो क्या लिखना है, भागफल लिखना है ना, 6 बार गया 24 कट गया, इससे कोई मतलब नहीं है, कटे ना कटे, हमें सिर्फ भागफल से मतलब है, 6 लिख दिया। अब बताओ 1800 का कोड कितना है, 1800 से लेकर 1899 के लिए कोड कितना था, प्लस का 2, तो यहाँ पे प्लस 2 कर दो, बटे कर दो 7, ठीक बटे कर दिया 7, तो 6 × 2 = 8 × 3 = 11 कितना, 17, और से 17 में फिर वही पहले वाला प्रोसेस, 7 × 2 = 14 बचा कितना, 3, और 3 किसका कोड था, मंगलवार का, ट्यूजडे का, ठीक 3 किसका कोड था, मंगलवार का, देख लो। यहां तक बात समझ में आ गई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन और करते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। लिखिए, एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं। 21 जुलाई 21 जुलाई 2012, ठीक। अब बताओ इस डेट में क्या करेंगे भाई, डेट में 7 से भाग देंगे, 7 से भाग दिया तो 7 त्रिक 21 पूरा पूरा कट गया, बचा कितना, 0। कितना बचा, 0। 3 नहीं लिख देंगे, गलती होती है यहाँ पे, 3 लिख देते हैं लोग, ऐसे लिख देंगे 3 और आंसर ज़्यादा आ जाता है जो, और श्योर है कि 3 दिन आपको बढ़ा के जरूर देगा एग्जामिनर, क्योंकि उसको पता है कि आपसे गलती हो सकती है, यहाँ पे 0 के जगह आप 3 लिख सकते हो, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी। यहाँ पे आपको कितना लिखना है, 0 लिख देना है। जुलाई का कोड कितना है, 0। देखो लास्ट के दो डिजिट में 7 से, एक बार 7 से, एक बार 4 से, जरूरी नहीं कि हम पहले 7 से कर रहे थे, आप भी पहले 7 से ही करो, जरूरी नहीं है, हो सकता है आप 4 से पहले कर सकते हो, 4 × 12 3 आप भाग दे सकते हो, आप हो सकता है 7 से कर लो पहले, तो जरूरी नहीं, बस एक बार 7 से एक बार 4 से करना है, जरूरी नहीं है कि आप जो है ऐसे ही करिए, ठीक। बस 2 बार हमको करना है, एक बार 7 से एक बार 4 से। यहाँ पे 7 से भाग दिया, 7 × 7 बचा कितना, 5 बचा, 2 बार नहीं जाएगा एक ही बार जाएगा, 7 × 7 बचा कितना, 5, 5 लिख लिया। इस 12 में बताओ क्या करें, 4 से भाग देंगे क्योंकि 7 से दे दिए हैं, तभी 4 बचा है, 4 × 12 क्या लिख लेंगे, भागफल को लिख लेंगे 3। अब बात आती है ये कौन सा शताब्दी है, 2000 का, और 2000 का शताब्दी, और 2000 शताब्दी के लिए कितना कोड था, -1, ये मत भूलना, ठीक है, यहाँ -1 जरूर कर लेना। अब यहाँ पे -1 करके आप अपान 7 कर देंगे, तो 5 × 3 = 8 -1 आ गया 7, 7/7 यानी कि बचा कितना, 0। एक मत करना, 7 × 7 एक मत कर लेना, एक अगर आप कर लिए आपका आ जाएगा रविवार, जबकि आपका आना है शनिवार, क्योंकि जब 7 × 7 7 से भाग दिया तो सिर्फ शेष फल लिखना है, और 0 किसका कोड था, शनिवार का, 0 किसका कोड था, शनिवार का। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, तो चलिए थोड़ा सा लीप वर्ष का क्वेश्चन देखते हैं, लीप वर्ष में कैसे क्वेश्चन आएगा, लीप वर्ष के बारे में बता दें। चलिए, अगर मान लीजिए हम कहें भाई कि 7 जनवरी 1712 को कौन सा दिन था, 7 जनवरी 1712, हमने कहा था जब भी जनवरी और फरवरी की बात की जाए, जब भी जनवरी और फरवरी की बात की जाए तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे कहीं ये लीप ईयर तो नहीं है, और यहाँ पे जब हमने देखा कि यहाँ पे जनवरी आया और जब चेक किया तो ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 × 12 और पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर तो है नहीं, क्या है, लीप ईयर है। अब इसमें अगर हम 4 से भाग देते पूरा पूरा कट जाता, और पूरा पूरा कट जाता मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। अब बताओ इसमें कोड हम 1 लिखें कि 0 लिखें, यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 कोड नहीं होगा जनवरी का, इतना आप समझ लेना, इतना आप समझ जाइएगा, क्योंकि भाई मेरे 4 से इसको डिवाइड किया, 4 से पूरा पूरा कट गया, और लीप वर्ष का जो जनवरी का कोड था वो कितना था, 0 था ना। तो अब आइए शुरू करते हैं, डेट में सबसे पहले 7 से भाग दिया, 7 × 7 बचा कितना, 0। अब जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, 1 नहीं 0 होगा, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है, और 4 से डिवाइड होने का मतलब ये क्या हो गया, लीप ईयर, तो यहाँ पे कोड कितना हो जाएगा, 0। अब बताओ ये 12 में हम एक बार 7 से एक बार 4 से, सेम प्रोसेस पहले वाला, 7 × 7 बचा कितना, 5, प्लस 12 में अगर हम 7 से भाग दें, सॉरी 12 में अगर हम 4 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 12 में अगर हम 4 से भाग दें तो 4 × 3 = 12, भागफल कितना आया, 3। 1700 का कोड कितना था, प्लस 4, 1700 का जो शताब्दी वर्ष का कोड था वो प्लस 4 था, बटे कर दो, 5 × 3 = 8 = 12, 12/7, 7 × 7 बचा कितना, 5, और 5 किसका कोड है, गुरुवार का,
पांच किसका कोड है? गुरुवार का। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। सात एक कम सात बचा पांच, पांच किसका कोड है? गुरुवार, बृहस्पतिवार, वीरवार सब एक ही होता है, थर्सडे। ठीक है ना, चाहे आपसे क्वेश्चन में गुरुवार कहा हो, चाहे आपसे वीरवार कहा हो, चाहे आपसे थर्सडे लिखा हो, चाहे आपसे वीरवार कहा हो, तो सभी का कोड जो होगा, सॉरी सभी दिन एक ही होते हैं। इतना बात समझ में आया? तो चलिए एक और टाइप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, उसके बाद एक टाइप और बता के बाकी की क्लासेज अगले वीडियो में होगी। चलिए अगर हम बात करें कि 12 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था, 12 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था? फरवरी आया ना, हमने कहा था जब भी जनवरी और फरवरी आ जाए तो कोड को चेंज कर लेना, मतलब चेंज मत कर लेना, एक बार चेक कर लेना। तो अभी यहां फरवरी आया, फरवरी एक बार ईयर को आप चेक कर लो, क्या ये कहीं लीप ईयर तो नहीं है? इसको चार से डिवाइड किया तो पूरा पूरा कट गया, यानी कि चार चौक 16, ये पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब ये क्या है? लीप ईयर है, लीप ईयर है। तो जो फरवरी का कोड होगा इसमें कितना होगा, चार होगा कि तीन होगा? इसमें फरवरी का कोड होगा तीन, क्योंकि ये लीप वर्ष के लिए, जो ये तो साधारण वर्ष के लिए था, ये किसके लिए था? साधारण वर्ष, और ये क्या था? लीप वर्ष के लिए था, बाकी सबका सेम था। ठीक, अब यहां पे क्या करना है आपको, डेट में सात से भाग देना, सात एक कम सात बचा कितना, पांच। फरवरी का कोड बताओ भाई, चार लिखा जाएगा कि तीन लिखा जाएगा? तीन लिखा जाएगा ना, क्यों? क्योंकि ये चार से डिवाइडेबल है, और जो ईयर चार से लास्ट के दो डिजिट, जिस ईयर के लास्ट के दो डिजिट चार से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होता है? लीप ईयर होता है, यानी कि यहां पे फरवरी का जो कोड होगा तीन हो जाएगा। प्लस कर लो, लास्ट के दो डिजिट में सात, एक बार सात से एक बार चार से, इसमें सात से भाग दिया, सात दुना चौदह, बचा कितना, दो बचा। अगर इस 16 में हम 4 से भाग दें तो 4 चौक 16, भागफल कितना आएगा, 4, यहां पे प्लस 4 कर लेना। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गया, 4 चौक 16 हो गया। अब जो शताब्दी वर्ष का कोड होगा, 2000 का शताब्दी वर्ष का कोड कितना था, -1, यहां पे -1 कर देना, बटे 7 कर दो, तो 4 2 6 3 9 5 14, 7 से भाग दिया, 7 दुना 14, शेष फल हमारा कितना आया, शेष हमारा कितना आया, जीरो, और जीरो किसका कोड था, शनि का, शनिवार, सैटरडे का। ठीक, यहां तक आ गया होगा, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं, इसी में दो क्वेश्चन और देखेंगे और बाकी की क्लास यहीं पे बंद होगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, तीन जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? यहां पे स्टूडेंट फंसता है, यहां पे प्रॉब्लम होती है, यहां समझ नहीं आता भाई, सात से कम है, सात से तो भाग जाएगा ही नहीं, क्या करें? यहां पे कुछ नहीं करना है आपको, तीन में अगर सात से भाग नहीं जा रहा है तो आपको सात लिख लेना है, क्या लिख लेना है, सात नहीं तीन लिख लेना है। अगर सात से भाग नहीं जा रहा है तो यहां पे आपको तीन सीधे सीधे लिख लेना है, जितने भी सात से कम होंगे, अगर सात तक है तो सात से डिवाइड कर देना, सात से डिवाइड करोगे कितना आएगा, सेवन वन जा सेवन, जीरो बचेगा, लेकिन अगर सात से कम है तो सीधे सीधे तीन को हम लिख लेंगे। अब आ गया जनवरी, हमने कहा था जब भी जनवरी फरवरी आए आपको चेक करना है कि कहीं ये लीप ईयर तो नहीं है। अब बताओ ये तीन क्या चार से डिवाइड होगा, चार से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये लीप ईयर मतलब ये लीप ईयर नहीं होगा, यानी कि यहां पे कोड जनवरी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर का जनवरी कोड कितना था, एक था। अब ये जो तीन है, तीन में क्या चार से डिवाइड होगा, सात से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ना तो चार से हो रहा है और ना ही सात से हो रहा है, तो भाई अगर सात से कम होता है तो क्या लिख लेते हैं, सेम सेम लिख लेते हैं। अच्छा भाई मेरे इतना बता दो कि हम चार से क्यों डिवाइड करते थे, लीप ईयर निकालने के लिए ना, यहां पे बताओ क्या ये चार से पूरा पूरा डिवाइड होगा, ये चार से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। यानी कि अगर हम देखें 2000 लीप ईयर रहा होगा कि नहीं रहा होगा, क्योंकि 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये लीप ईयर रहा होगा। तो जो अगला लीप ईयर आएगा वो कब आएगा, 2004 में आएगा ना,
2004 में आएगा। क्या 2000 से 2004 के बीच में क्या कोई लीप ईयर होगा? क्या दो लीप ईयर होगा, तीन लीप ईयर होगा? नहीं होगा ना, यानी कि यहां तक कोई लीप, क्या एक भी नहीं होगा भाई? एक भी नहीं होगा, दो भी नहीं होगा और तीन भी नहीं होगा, यहां तक कोई लीप ईयर नहीं होगा। मतलब कि 2000 और 2004 के बीच में जितने भी ईयर आएंगे वहां तक कोई और लीप ईयर नहीं होगा। तो यहां पे 2003 तक कोई लीप ईयर नहीं, तो कितना लिख लेंगे? जीरो लिख लेंगे। यहां बात आ गया होगा समझ में। अब बताओ उसके बाद क्या करेंगे? ये तीन हो गया, फिर क्या करेंगे? 2000, 2000 है ना, और 2000 का कोड कितना? -1। तो यहां पे क्या कर लेना? -1 कर लेना, बटे 7 कर लेना। तो 3 × 4 = 7 और 7 − 1 = 6/7। 7 तो जाएगा नहीं, 7 से इसमें भाग जाएगा नहीं, तो 6 किसका कोड था? शुक्रवार का। 6 किसका कोड था? शुक्रवार का। एक बार फिर से देख लो, एक बार ये क्वेश्चन फिर से आप देख लीजिए। देखिए, हमने कहा कि यदि 7 से कम है, 7 से कम है तो 7 से जिसमें भाग नहीं जाएगा मतलब वो 7 से कम होगा। 7 से अगर कम है तो 3 लिख लिया, 3 सीधा सीधा वही डेट लिख देना है। मंथ का कोड लिखा क्योंकि ये 2003 है, लीप ईयर नहीं, नॉर्मल ईयर, तो मंथ का कोड 1 आ गया। यहां पे 1 लिख दिया। अब ये जो 3 है, यहां पहले हम लोग 7 से डिवाइड करते थे, तो 7 से अभी डिवाइड नहीं हो रहा, तो वही डेट सीधा सीधा उतार दिया। उसके बाद 2000 से लेके, इस 2000 से लेके 4 तक क्या कोई बीच में लीप ईयर होगा? ये तो लीप ईयर है क्योंकि ये 400 से डिवाइडेबल है, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी लीप ईयर हो जाएगा। क्या इसके बीच में कोई लीप ईयर होगा? नहीं होगा, जीरो लीप ईयर। तो इसीलिए इसका कोड कितना लिख दिया? जीरो। और 2000 से लेकर 2003 तक का जो शताब्दी वर्ष था, शताब्दी वर्ष का जो कोड था वो कितना था? -1 था, क्योंकि यहां पे जो 2000 का शताब्दी वर्ष का कोड है वो -1 है, इसलिए यहां पे सब कुछ जोड़ा, 3 × 4 = 7 और 7 से -1 किया, कितना आया? 6। और 6 क्या 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। और 6 किसका कोड था? शुक्रवार का कोड था। यहां तक आ गया। एक इसी टाइप का और देखते हैं, चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर हम बात करें कि 6 फरवरी 2002 को कौन सा दिन था? 6 फरवरी 2002 को, भाई पहले ये बताओ क्या ये 6 7 से डिवाइड होगा? अभी जैसे 3 7 से नहीं डिवाइड हो रहा था तो हमने 3 लिख दिया था, उसी तरीके से 6 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो कितना लिख देंगे? 6 सीधा सीधा लिख देंगे। 2 क्या 4 से डिवाइड होगा? 2 4 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये नॉर्मल ईयर, और नॉर्मल ईयर का जो फरवरी का कोड था कितना था? 4 था, यहां पे 4 लिख देंगे। इस लास्ट के दो डिजिट में, इस लास्ट के दो डिजिट में क्या करेंगे? इसी 2002 में लास्ट के दो डिजिट में 7 से भाग देंगे। तो क्या ये लास्ट के दो डिजिट में 2 में 7 से भाग जाएगा? 2 में भी 7 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि यही सीधा सीधा 2 लिख देंगे। ठीक, यहां तक आ गया। अब बात आती है कि क्या 2002 तक कोई लीप ईयर था? क्या इस 2 में 4 से डिवाइड होगा? इस 2 में 4 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब ये कितने लीप ईयर होंगे? इसमें 0 होंगे। अभी हमने बताया था कि 2000 से, बताया था कि 2000 से लेके 2004 के बीच में कोई लीप ईयर नहीं होगा। 2000 के बाद सीधा 4 साल बाद ही लीप ईयर आएगा, यानी कि ये 4 में, 2004 में, तो ये 2002 ही, तो 2002 तक कोई लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन अब बात आती है शताब्दी वर्ष की। शताब्दी वर्ष कितना था? 2000, और 2000 जो शताब्दी वर्ष का कोड था वो कितना था? -1 था। -1 यानी कि 4 2 6 6 6 12, 4 2 6 6 12 और 12 − 1 = हो गया 11, 11/7, 7 × 7 जो शेष फल आया, जो हमारा कैरी आया, कितना आया? शेष फल आया 5, और 5 किसका कोड था? गुरुवार का। तो कौन सा दिन आ जाएगा? गुरुवार। यहां तक बात समझ में आ गई। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है आज का।
चले लास्ट क्वेश्चन इसका है, डेट है ना, हम दे रहे हैं आपको 7 मार्च 7 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा। अब बताओ क्या 7 में 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 7 में 7 से डिवाइड होगा ना, 7 एकम 7 बचा कितना, 0। मार्च का कोड कितना है, देखो ये मार्च है, मार्च 144, ये मार्च है ना, मार्च का कोड कितना हो जाएगा, +4 2007। लास्ट के दो डिजिट में पहले 7 से डिवाइड कर लो, यहां तो 7 से डिवाइड हो रहा है, इसके पहले नहीं हो रहे थे ना, तो हमने सीधा सीधा डेट लिख दिया था, लेकिन यहां पे 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है मतलब 7 एकम 7 बचा कितना, 0 बचा, प्लस कर दिया। अब बताओ इसमें 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, अब की बार हम लोग अगर 4 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 एक ही बार तो जाएगा, एक ही बार जाएगा ना, यहां देख लेते हैं, यहां पे देख लो, इस 7 में अगर हम 4 से भाग दे दें तो 4 एकम 4 एक ही बार तो गया, तो भागफल हमारा कितना आया, 1 आ गया, +1 कर दिया, और 2000 का कोड कितना, -1 हो जाएगा, क्योंकि 2000 शताब्दी वर्ष का कोड कितना था, -1 था। तो 1 4 1 5 5 -1 = 4, तो क्या 4 में 7 से डिवाइड होगा, 4 में 7 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब ये 4 जिसका कोड होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, और 4 कोड किसका था, बुधवार का। यहां तक बात समझ में आ गई, तो ये रहा आज का दिन निकालने का कॉन्सेप्ट, हम आशा करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, बाकी की चीजें नेक्स्ट पार्ट में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।